नमस्कार, मैं अमित सर और आज एक नया चैनल जो है हम लॉन्च कर रहे हैं जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैनल। इस चैनल को बनाने का मेन मोटिव हमारा ये है कि आईटी सेक्टर जो कि एक बहुत बेहतरीन सेक्टर आज माना जाता है, तो इस सेक्टर के बारे में काफी भ्रांति हमारे शहर में लोगों को है। उनको ये नहीं पता कि सेक्टर किस तरीके से वर्क करता है, क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट है, सैलरी पैकेजेस कितनी है, कौन कौन सी नई नई आईटी की सेक्टर्स जो है वो डेवलप होता जा रहा है। तो इन सभी जानकारियों को आपको इस चैनल के बारे में मैं यानी अमित सर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में फ्रेंड्स सवाल ये आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके है क्या, आईटी सेक्टर को आप क्या कह सकते हैं, ये है क्या? तो देखिए, आईटी सेक्टर एक्चुअली तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले ऑफकोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ये है, जिसमें वो सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारे आईटी सेक्टर में शामिल होते हैं, जो पूरे एक कंप्यूटर एक पूरे नेटवर्क और मैकेनिज्म को चलाते हैं। दूसरा, वो सारे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो आपके कंप्यूटर को रन कर रहे हैं, आपको दूसरे लोगों से जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो सारे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो होंगे आईटी सेक्टर में आते हैं। और तीसरा, आईटी सेक्टर में बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आजकल शामिल हो गए, जैसे इंटरनेट, नेटवर्किंग, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, सर्वर, डेटाबेस मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑफकोर्स अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम MIS सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये भी आईटी सॉफ्टवेयर में जो है वो शामिल है। तो आईटी सेक्टर जो है इस तरीके से तीन बिग ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। अगर आपसे मन में सवाल उठता है कि भाई आईटी सेक्टर जो है आज वो यूज किस किस सेक्टर में हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें आईटी सेक्टर जो है वो करेंटली बिजनेस, टेलीकॉम, हेल्थ, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट में यूज हो रहा है, ऑनलाइन थॉट एक्सचेंज प्रोसेस में यूज हो रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में यूज हो रहा है। आप अपने कस्टमर्स को अगर सपोर्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आईटी काफी मदद देता है। आप ऑनलाइन वीडियोस और ई बुक्स बना के भी अपने नॉलेज को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के भी ऑनलाइन सुविधाएं आपको मिलती है, जिसमें यूट्यूब काफी पॉपुलर है। वीडियो गेम्स और लाइव स्ट्रीमिंग्स भी आप देखते हैं, जैसे अमेजन प्राइम आप देखते हैं, जिसमें आप लाइव वीडियोज भी देख सकते हैं। और आईटी आज एक कदम और भी आगे निकल चुका है, आप सबको इतनी सारी सुविधाएं देने के साथ साथ आपको एक सिक्योर आईटी प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, जिससे आपका डेटा जो है वैल्यूएबल वो किसी प्रकार से मिसयूज ना हो और किसी प्रकार से हैकर से हाथ ना चला जाए। तो काफी सिक्योर एनवायरनमेंट में आपको आईटी जो है वो वर्क दे रहा है। अब नेक्स्ट हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हम आईटी सेक्टर्स में इस समय कौन कौन से नई वैकेंसीज में वर्क कर सकते हैं, ऐसी कौन सी नई नई चीजें जो हमें आईटी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर जो है करेंटली आपको 11 नए प्रकार के जॉब्स आप प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप बहुत समय से आईटी सेक्टर में है और आपको नॉलेज नहीं है इन जॉब्स का, या फिर अगर आप अदर सेक्टर में है पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं, तो ये 11 जॉब्स है जो आप जरूर नोट डाउन करिएगा। पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब है, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं कंपनीज के लिए। दूसरा, प्रोग्रामर्स, आप किसी भी लैंग्वेज में जैसे PHP, पाइथन, जावा आदि लैंग्वेजेस में आप मास्टर बनके अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, वेब डेवलपर, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपर में इंटरेस्टेड है तो आईटी सेक्टर काफ़ी डेवलपर की डिमांड्स कर रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। चौथा, टेक्निकल सपोर्ट, अगर आप टेक्निकल जो है क्वेरीज अच्छे से जानते हैं, अगर आप विंडोज और लिनक्स के टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा। पांचवा, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, आपको इस जॉब में अपने कस्टमर से के जो क्वेरीज होती है उनको सॉर्ट आउट करने पड़ती है और उनको एक नया सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाने में या ऐप बनाने में आपको मदद करना होता है। सिक्स्थ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें आपको किसी कंपनी या संस्था के नेटवर्क को मैनेज करना होता है। सेवेंथ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें आपको किस संस्था के कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करना होता है। आठवा, आईटी सिक्योरिटी, जिसमें आपको सिक्योरिटी मैनेजर के रूप में काम करना होता है और हैकर्स से किस तरीके से आपको बचाना है, आईटी के नेटवर्क को उसको बताना होता है। नाइन्थ, नेटवर्क इंजीनियर, जो पूरी नेटवर्क को बनाता है, नेटवर्क के प्रोटोकॉल को डिसाइड करता है। दसवा, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, जिसमें आप ऐसे क्लाइंट्स को जिनको टेक्नोलॉजी का विशेष नॉलेज नहीं है उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं किस कैसे नई टेक्नोलॉजीज पे एडवांटेजेस है। और 11th, जो अभी नई जो है फील्ड के रूप में सामने आ रहा है, टेक्निकल सेल्स, जिसमें आप अपने टेक्निकल ज्ञान को सेल भी कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन को एडमायर कर सकते हैं किस तरीके से आपको टेक्निकल सेल्स करना है। अब यहाँ पे जो फाइनल आज का जो टॉपिक है हमारा, ये
कि हम आईटी सेक्टर में कैरियर बना कैसे बनाए। तो अगर आप किसी भी एक छोटे शहर में रहते हैं, मीडियम शहर में रहते हैं या एक बड़े शहर में रहते हैं, तो आपको कैरियर बनाने के लिए आईटी सेक्टर में सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला, आपका आईटी सेक्टर में एक डिग्री होना बहुत कंपल्सरी है। तो ग्रेजुएशन में या तो बीटेक बीसीए आप जरूर कर लें, तो इस डिग्री में आपको तीन चार साल में काफ़ी कुछ आईटी का नॉलेज हो जाएगा। और ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर लें, जिसमें एमसी एमटेक है, और पीएचडी भी आपको आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपको आईटी का काफ़ी नॉलेज हो जाता है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दूसरी चीज़ आप जरूर करें, आप जिस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें एक सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर कर लें। सर्टिफिकेशन का फ़ायदा आपको ये रहता है कि आपका जो वो टैलेंट जो है, जो आपके आईटी में जो आपने वर्क किया है, उसमें आपको और अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। और अगर प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली आप आईटी सेक्टर के एक बहुत नामी व्यक्ति बन सकते हैं, और पैसा इस सेक्टर में काफ़ी है। तो आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर करें। और तीसरा, आप जरूर एक काम करें कि आप किसी संस्था में पहले कुछ महीने जॉब करें, भले कम सैलरी में जॉब करें, या आपको फ्रेशर के रूप में ज़्यादा सैलरी ऑफर ना भी की जा रही है, या कई बार नो सैलरी ऑफरिंग्स भी रहती है, तो आप जरूर जॉब करें अथवा इंटर्नशिप करें। छः महीने से लेकर एक साल तक अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको आईटी में काफ़ी जो है प्लस पॉइंट आपका हो जाता है, और आपकी काफ़ी अच्छे जो है वो जॉब ऑफरिंग्स हो जाती है। तो कुछ नए फील्ड्स भी आपको मैं बता दे रहा हूँ जिसमें आप जरूर सर्टिफिकेशन करें, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर हैंडलिंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, ग्राफिकल डिजाइनिंग, एथिकल हैकिंग, वेब डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, ये कुछ ऐसे फील्ड है जिनमें आप सर्टिफिकेशन जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आईटी एक बहुत ग्रूमिंग सेक्टर है, और आज अगर आप देखें तो आईटी जिस कदर से आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में आईटी में कोई भी अगर आप एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको जॉब की कभी कमी नहीं हो सकती। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आईटी सेक्टर के बारे में, और डिटेल आपको आने वाली वीडियोज में हम जरूर बताएंगे। तो आप उनसे जुड़े रहे, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, और आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन दें। धन्यवाद।